इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे थे जो इन इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं ये बेसिकली पीस वर्क प्लान मैनेजमेंट इंसेंटिव प्लान्स बिहेवियरल एनकरेजमेंट प्लान रेफरल प्लान और स्पोर्ट बोनसेज इसकी एक कॉमन टाइप्स हैं अगर हम पीस वर्क प्लान की बात करते हैं देन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्लान और बेसिकली uh, हम इस परफॉर्मेंस uh, स्टैंडर्ड को पीस वर्क प्लान में कवर कर रहे हैं लेकिन ये टोटल इंसेंटिव प्लान के लिए एप्लीकेबल होगा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इधर ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं और प्लस इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होगा कि ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो एट टाइम्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अब हमारी कोशिश पीस वर्क प्लान्स के अंदर होती है कि हम इंश्योर करें कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी हमें अचीव हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि एक एम्प्लॉई ने टेन यूनिट्स जो हैं वो एन आवर पर आवर जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं तो अब ये वाला जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है अगर हम क्वांटिटी को ओवरऑल क्वालिटी के साथ मैच कर देते हैं एट टाइम्स क्वालिटी जो है वो क्वांटिफाइएबल होती है तो उस सूरत में ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगी लेकिन एट टाइम्स फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या आ, एक मैनेजर है वो अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कस्टमर हैंडलिंग के साथ उसको भी देख रहा है तो उस सूरत में ये चीज़ आ, सब्जेक्टिव uh, रहेगी टू द मैनेजमेंट जजमेंट ठीक है तो अगर हम क्वांटिटी को ओवरऑल क्वालिटी के साथ कंबाइन करें तो ये हमारे पास एक सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बन जाएगा अगर चाहे इसके अंदर चूंकि सब्जेक्टिविटी इंक्लूड हो गई ना जिस भी एक्सटेंड तक हुई लेकिन अब ये स्टैंडर्ड जो है ये सब्जेक्टिव हो जाएगा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन द मैनेजर्स जजमेंट यानी जिस चीज़ के अंदर अवेल्यूशन मैनेजर जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसके अंदर सब्जेक्टिव जो है उसको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ जजमेंट के ऊपर बेस्ड है तो उसके अंदर बायसेस हों हम इसको ऑब्जेक्टिविटी से इसलिए थोड़ा सा इन्फीरियर समझते हैं कि इसके अंदर चांसेस होते हैं फॉर द बायसेस ठीक है देर आर टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ पीस वर्क प्लान सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो दो किस्म के इफेक्ट होते हैं एक इंसेंटिव इफेक्ट होता है एक सॉर्टिंग इफेक्ट होता है इंसेंटिव इफेक्ट ये है कि जब इम्प्लॉ को परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स के दरमियान विज़िबल लिंक नज़र आएगा कि परफॉर्मेंस उसके रिवॉर्ड्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसलेट हो रही है तो फिर डेफ़िनेटली जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आ, Uh, उस रिवॉर्ड की वजह से वो मोटिवेट होगा टू पुट द मोर एफर्ट ठीक है तो हम इसको कहते हैं कि ये इंसेंटिव इफेक्ट है इम्प्लॉज़ आर मोटिवेटेड टू पुट एफर्ट टू पुट एफर्ट एंड वर्क डिलीजेंटली बिकॉज ऑफ इंसेंटिव सो सिंपल और जो सॉर्टिंग इफेक्ट है सॉर्टिंग इफेक्ट ये होता है कि जब एक एम्प्लॉ डिसाइड करता है कि वेदर ही और शी हैज़ टू स्टे और लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे वो दो ऑप्शंस के दरमियान सॉर्टिंग कर रहा है कि उसने किस ऑप्शन को चूज़ करना है तो अब डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स होते हैं ये हाई पोटेंशियल इम्प्लॉज़ और हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉज़ जो हैं जिन इन्वायरमेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मौजूद होते हैं दे प्रेफर टू वर्क ऑन इन दोमेंट्स ठीक है

जो रिस्क टेकिंग की प्रोपेंसिटी uh, है ठीक है वो कम है और ऐसे इम्प्लॉज़ जो हाई परफॉर्मर हैं लेकिन उनकी रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू फोर मैंशन एम्प्लॉज़ तो ऐसे इम्प्लॉज़ जहाँ पे जिनकी रिस्क टेकिंग की एबिलिटी कम है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहेंगे बिकॉज उनकी कॉम्पन्शन रिस्क पे आ रही है और ऐसे इम्प्लॉज़ जिनकी रिस्क टेकिंग की जो कैपेबिलिटीज uh, हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉज़ ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करना चाहेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ हाई परफॉर्मर्स को कर रहे हैं ये लो परफॉर्मर्स के लिए भी होता है लेकिन लो के केस में uh, जो है उसके अंदर रिस्क टेकिंग का फैक्टर नहीं होता उसके अंदर परफॉर्मेंस से ही ये चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं और लो परफॉर्मेंस अल्टीमेटली चूँकि कंपनसेशन उनकी अब फिक्स नहीं रही हो रही होती रही होती और अब उनकी कॉम्पनसेशन को हिट हो रही होती है बिकॉज ऑफ देयर लो परफॉर्मेंस तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वैसे ही प्रेफर नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा देर स्टे करें और ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेनिफिट होगा

लेट्स uh, अंडरस्टैंड uh, कि अब ये जो पीस वर्क uh, जो प्लान हैं ये बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल से और ये एग्ज़ैम्पल भी हमने जॉजफ़ uh, uh, की जो बुक है स्ट्रेटिक कॉम्पनसेशन उसी से ली है यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है कि पीस वर्क स्टैंडर्ड पीस वर्क स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने एक थ्रेश फिक्स कर लिया है कि ये एक गारमेंट वर्कर है जो किसी भी फैक्ट्री में काम करता है जिसने कोई गारमेंट स्टिच करनी है और उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फ़िक्स किया है कि वो एम्प्लॉ जो है एक घंटे के अंदर पंद्रह गारमेंट्स मिनिमम स्टिच करेगा आवरली बेस पे रेट एवॉर्डिड टू तो एम्प्लॉय व्हेन द स्टैंडर्ड इज़ नॉट मेट अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो उसका आवरली वेज है वो फोर पॉइंट फाइव है जो कि इसको मिलनी ही मिलनी है हर सूरत में चाहे वो एक यूनिट भी प्रोड्यूस करे या ना करे बिकॉज इट इज़ द गंटिड पोर्शन अनलेस एंड अनटिल द इम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन ही और शी इज़ गोइंग टू गेट द बेस पे तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि उसकी ये बेस पे है जो कि उसको पर आवर मिलनी है दैट इज़ द वर्कर रिसीव डॉलर फोर पॉइंट फाइव पर आवर वर्क रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे मीट द पीस वर्क स्टैंडर्ड ऑफ फिफ्टीन स्टिच्ड गारमेंट्स पर आवर ये अगेन वही चीज़ है जो कि अभी हमने डिस्कस की है और जिसको ये रिपीट कर रहे हैं अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पीस वर्क इंसेंटिव जो है वो क्या है डॉलर पॉइंट सेवन फाइव पर गारमेंट स्टिच्ड पर आवर अबव द पीस वर्क स्टैंडर्ड मतलब ये कि ये जो हमारा पीस वर्क स्टैंडर्ड था पंद्रह का एम्प्लॉ जैसे ही सिक्सटीन पे जाएगा हम इन दो का डिफरेंस लेंगे सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा डिफरेंस क्या है एक गारमेंट जो है इसने ज़्यादा स्टिच की है हमारे पीस वर्क स्टैंडर्ड से हम इस जो क्वांटिटी इसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की है उसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास उसकी एडिशनल जो पीस वर्क का रेट है वो आ जाएगा अब हम क्या करेंगे कि फ़ॉर एग्जांपल उसको जो फर्स्ट एक फर्स्ट आवर में जो सैलरी मिलनी थी वो क्या थी हमारे पास फोर फ़ाइव जो कि यहाँ पे मेंशन है जो कि इसकी बेस वेज है या बेस रेट बेस पे है और उसके बाद जो उसका जो पीस वर्क का जो इंसेंटिव है वो क्या है ज़ीरो सॉरी ज़ीरो पॉइंट सेवन फ़ाइव सो 5.35 मिला अब ये बेसिकली इसके पहले आवर की वेज है दूसरे आवर के अंदर क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉई है वो पंद्रह के बजाय सात यूनिट प्रोड्यूस करता है अब उस सूरत में क्या होगा अब ये हम फर्स्ट आवर की बात कर रहे थे ये हम सेकंड आवर की बात कर रहे हैं उस सूरत में क्या है अब यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव आ गया तो हम यहाँ पे पंद्रह से कोई चीज़ एक्सीड हुई या नहीं हुई आंसर ऑब्वियस आंसर इज़ नो कोई एक्सीड नहीं हुआ तो फिर हमारे पास पॉइंट सेवन फाइव और ये ज़ीरो हो जाएगा तो जो सेकंड आवर में पे होगी फोर पॉइंट फाइव होगी और जो पीस वर्क इंसेंटिव होगा वो ज़ीरो होगा तो सूरत में इसको फोर पॉइंट फाइव मिलेगी अगर हम इसकी टू आवर्स की वेज को कैलकुलेट करें तो वो फाइव पॉइंट थ्री फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव और यहाँ पे बेसिकली फिर इसको जो भी एक अमाउंट इसको मिलेगी फाइव पॉइंट नाइन पॉइंट एट फाइव ठीक है तो ये इसकी टू आवर्स की वेज हो जाएगी सेम यही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है जो ऊपर एग्जांपल आपको शो की हुई है अब हम उसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि फर्स्ट आवर में उनको जो बेस पे मिली एम्प्लॉय को वो फोर पॉइंट फाइव थी सेकंड आवर में चूंकि ये बेस पे है ये चेंज नहीं होगी तो ये भी फोर पॉइंट फाइव मिली फर्स्ट आवर में उसने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो ट्वेंटी फाइव किए ठीक है बिकॉज़ यहाँ पे 25 फ़ाइव माइनस फिफ्टीन जो है उसका जो डिफरेंस है वो 10 है तो वो आ गया और 10 जब 0.75 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7.5 आ गया अब अगर हम इसकी टोटल अर्निंग फ़र्स्ट आवर की कैलकुलेट करें तो वो 4.5 जो कि बेस पे है और 7.5 ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो 12 आएगा और इसी तरीके से जो सेकंड आवर है उसके अंदर फ्यूअर देन 15 स्टिच्ड गारमेंट्स तो उसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी तो अगर हम टू आवर्स की देखेंगे तो इस केस में इसको सिक्सटीन डॉलर्स मिलेंगे और अगर ये इंसेंटिव ना होता तो इस एम्प्लॉ को नाइन डॉलर्स मिल रहे होते इंसेंटिव पे की वजह से इस एम्प्लॉ को सिक्सटीन पॉइंट फाइव डॉलर्स मिले हैं टू आवर्स के अदरवाइज इसको टू आवर्स के लिए नाइन डॉलर मिलते हैं। अब अगर ये एम्प्लॉ हाई परफॉर्मर है तो डेफ़िनेटली इस केस के अंदर ही और शी हैज सम कंट्रोल ओवर हिज कॉम्पनसेशन तो वो एफर्ट करेगा कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे इस एरिया में ठीक है तो इस वजह से आ, उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होगी आई होप कि जी यहाँ तक आपको क्लियर होगा फिर इसके बाद हम मैनेजमेंट इंसेंटिव प्लान्स पे आ जाते हैं ये सेम मैनर के अंदर काम करते हैं बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है दीज इंसेंटिवज़ आर मेनली फॉर मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स वो जो पीस वर्क प्लान्स थे ये बेसिकली ज़्यादातर मैनुफेक्चरिंग कंसर्नस में या ऐसे लोग जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा क्वान्टिफाइबल होती है या ऑब्जेक्टिवली मेजर की जा सकती है उसमें इस्तेमाल होते हैं और मैनेजमेंट इंसेंटिव प्लान ज़्यादातर टारगेट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी रोल्स को मोस्टली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर सच इंसेंटिव्स आर मल्टीपल एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन आईआईपी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान में सॉरी दिस इज टाइप ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान बेसिकली यहाँ पे मोर देन पीस वर्क प्लान हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम सेल्स के टारगेट देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं प्रोडक्शन देखते हैं और दूसरी मेजर्स देखते हैं अब ये तमाम डिपार्टमेंट्स या जो मैनेजर होते हैं ये उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने अपना जो बजट है आपने उससे एक्सीड नहीं करना या आपने इतना प्रॉफिट अर्न करना है अब प्रॉफिट को आपको पता है कि दो चीज़ें हिट कर रही होती हैं एक सेल्स कर रही है एक आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कर रहे हैं या जो आपकी कॉस्ट्स हैं ठीक है या यहाँ पे आप रेवेन्यू कर लें अब रेवेन्यू बढ़ाने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं और Uh, जो आपकी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हैं इसको जितना हम मिनिमाइज करते जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा जितना रेवेन्यू बढ़ाते जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है अब यहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सी इंट्रीगेट हो जाती हैं कि जो मैनेजमेंट जो ग्रुप है या जो सुपरवाइजर्स हैं जिनको ये टारगेट दिया जा रहा है उनके ऑब्जेक्टिव रेलिटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं फ्रॉम द पीस वर्क प्लान फिर इसके बाद बिहेवरल एनकरेजमेंट प्लान होते हैं अंडर दीज प्लान एम्प्लॉयज रिसीव पेमेंट्स फॉर स्पेसिफिक बिहेवरल एक्म्पलिशमेंट जिस तरीके से गुड uh, अटेंडेंस है सेफ्टी रेकड्स हैं एट्सट्रा ठीक है दीज प्लान आर इम्पोर्टेंट फॉर बिहेवरल री इन्फोर्समेंट अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय पॉजिटिव बिहेवियर्स बार बार रिपीट करें ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली ये जो इंसेंटिवज़ हैं ये उसकी एक रिप्लेसमेंट के लिए सॉरी री इन्फोर्समेंट के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एन अनडिज़ायर्ड बिहेवियर कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन सो दीज प्लान हेल्प इन रिगार्डिंग इन रेड्यूसिंग सच कॉस्ट अब दूसरी तरफ एक ये भी पॉइंट है कि एट टाइम्स एम्प्लॉइज के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेर कर रही होती जिस से है जिस तरीके से एबसेंटिज़म है कि एक इम्प्लॉई है वो बग़ैर बताए छुट्टी कर लेता है अब उस सूरत में क्या है कि ज़ाहरी बात है कि अगर वो बग़ैर बताए छुट्टी करता है और वो या लीव पे चला लीव पे नहीं गया एबसेंट है तो उस सूरत में क्या हुआ कि ज़ाहरी बात है कि उसका काम कोई और किसी और को करना पड़ेगा अगर वो कस्टमर फेसिंग है तो कस्टमर को सफ़र करेगा अगर प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन का पेस जो है वो स्लो होगा तो ये तमाम फैक्टर्स हमें सामने रखने पड़ते हैं जब हम इन फैक्टर्स की या बैड बिहेवियर्स की या अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो हमें अंदाज़ा होता है कि यह कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है अब हमारी बीइंग इन द कॉम्पनसेशन हमारी ये कोशिश होती है कि इस तरीके से लोगों को इंसेंटिवस ऑफ़र किए जाएँ कि ऐसे बिहेवियर्स जिनका मेजर कॉस्ट इम्पैक्ट आ रहा है ठीक है या Uh, जिनका एफिशिएंसी के ऊपर मेन इंपैक्ट आ रहा है उन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करने में हमें हेल्प आउट करें फॉर एग्जांपल ये अगेन स्ट्रेटजी कॉम्पनसेशन जो बुक इनिशियल uh, in, उसके अंदर मैंने रेफर की थी uh, ये उसी से एग्जांपल है ये एक कंपनी का इन्होंने एक uh, सैम्पल दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईच थ्री मंथ पीरियड मीन्स क्वार्टरली

एबसेंट्स ऐसे लोग जो बग़ैर बताए छुट्टी नहीं करेंगे हाँ कुछ रीज़न्स होती हैं जिस तरीके से मेडिकल है उसके अंदर एट टाइम्स बगैर बताए छुट्टी कर सकते हैं वो मेडिकल पॉलिसी की प्रोविजन के अंदर चीज़ें कवर हो रही होती हैं तो ऐसी लीव्स जो कि बगैर बताए की जाए ठीक है और जो एब्सेंट कंसीडर हो तो उस सूरत में उस बिहेवियर की डेफ़िनेटली ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अब अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको कम करना चाहती है तो ये एक सामने आपके सैम्पल है कि ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एक क्वार्टर में या थ्री मंथ्स में कोई भी एब्सेंट नहीं होगी यानी कि बग़ैर बताए या प्लान छुट्टी उसने नहीं ली होगी सॉरी अनप्लान छुट्टी नहीं की होगी तो उसको डॉलर टू फिफ्टी पर क्वार्टर मिलेगा फिर उसके बाद जिसने एक की होगी उसको टू फिफ्टी जिसने दो की होंगी उनको हंड्रेड तीन और चार अब यहाँ पे जाके और आप देख रहे हैं कि इन रिवॉर्ड्स के अंदर सब्सटेंशियल रिडक्शन है तो इन तमाम चीज़ों को बेसिकली और अगर अब एक एम्प्लॉ पूरा साल कोई बगैर बताए छुट्टी नहीं करता तो ही और शी कैन अर्न थाउजेंड डॉलर एक्स्ट्रा सो और इसका फायदा कंपनी को क्या होगा वो फ़ायदा डेफिनेटली इस थाउजेंड डॉलर से बहुत ज़्यादा हो रहा होगा ठीक है तो ये बिहेवियरल एनकरेजमेंट प्लान इस तरीके से काम करते हैं अब डेफिनेटली जो ये पॉलिसी का मैटर है ये हम अपने जो भी हमारा एप्लीकेबल सिनेरियो हम उसके मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बाद रेफ़रल प्लान हैं रेफरल का मतलब ये है कि जब इम्प्लॉई कोई रेफ़र करता है किसी को भी अब वो रेफ़र क्या हो सकता है अंडर दिस प्लान इंसेंटिवस आर पेड टू एम्प्लॉज़ फॉर रेफरिंग न्यू क्लाइंट्स और पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स ठीक है या ये हायरिंग में ज़्यादातर यूज़ होते हैं या क्लाइंट्स को रेफ़र करने में होते हैं या एट टाइम सप्लायर्स को भी रेफ़र करने में हो सकते हैं अब यहाँ पे होगा कि फॉर रिलीज ऑफ इंसेंटिव और बोनस देर इज़ अ स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड वंस रेफर अब इसके अंदर यह है कि मैंने किसी शख्स को रेफर किया कि इसका सी वी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लान वेकेंसी है उसके साथ मैच करता है लेकिन वो एम्प्लॉ हायर नहीं होता तो उस सूरत में मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा अब बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि जी एम्प्लॉय का काम था किसी को रेफ़र करना अगर वो रेफ़र हो गया और वो सिलेक्ट भी हो गया यानी हायर हो गया तो हम इसे इम्प्लॉई को एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे बाहर कंपनीज ये कहती हैं कि ठीक है वो उस एम्प्लॉयी को हायर भी होना चाहिए और कंपनी का जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो भी पूरा करना चाहिए सक्सेसफुली तब हम इम्प्लॉ को पे करेंगे अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सिनेरियो टू सिनेरियो चीज़ें वेरी करेंगी लेकिन हमें जो है ये बेसिकली जो uh, इस कॉन्सेप्ट का पता हो कि हमने एक क्राइटेरिया भी इस्टेब्लिश करना है अब क्लाइंट रेफ़र किया है क्लाइंट आया है उसने इंफॉर्मेशन ली है तमाम चीज़ें की हैं लेकिन डील फाइनल नहीं हो सकी तो डेफिनेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस सूरत में पे नहीं करेगी लेकिन बाजूकात ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एक एम्प्लॉई ने बहुत अच्छी एफर्ट की है तो उस सूरत में सामने रखते हुए किसी एक्सेप्शन के तौर पर कोई चीज़ कंसिडर कर लें तो वो एक सेप्रेट चीज़ होगी लेकिन आ, एक सर्टन क्राइटेरिया है दैट नीड्स टू बी मेट बिफोर रिलीजिंग द पेमेंट स्पॉट बोनस हैं स्पॉट बोनस बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ऐसे बोनस जो एम्प्लॉय को एक्जम्पलरी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑन द स्पॉट मीन्स बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर दिए जा सकें दीज आर मेनली फॉर क्रिटिकल एरियाज एंड टैलेंट्स सेलेक्टेड ग्रुप के लिए होंगे और उन एरियाज के लिए जिसके अंदर ऑर्गनाइजेशन Uh, के जो मेन एरियाज़ हैं क्रिटिकल हैं स्पॉट बोनसेज़ आर रिलेटिवली स्मॉल मॉनेटरी गिफ्ट क्योंकि ये स्पॉट होते हैं एट द स्पॉट आपने मतलब uh, किसी को आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन एट द स्पॉट होती है लेकिन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज़ ऑफ पेमेंट का एक स्पेसिफ़िक प्रोसीजर होता है जिसको आपने फॉलो करना है और ज़ाहरी बात है कि अब इसके अंदर ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं कि कौन शख्स एलिजिबल होगा कि वो इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर दे सके बाज ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर इंप्लॉइज़ को आइडेंटिफाई करवा रही होती हैं थ्रू देयर मैनेजर्स और सीनियर्स ठीक है और फिर वो उनको इंसेंटिवाइज कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ़ एक्स वाई जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्पॉट बोनसिस आर और ये रेलिटिवली स्मॉल अमाउंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा बड़े बोनसिस नहीं होते और आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग वर्क और एफ़र्ट होना चाहिए जो कि आपके नॉर्मल वर्क से थोड़ा सा हटके हो ताकि इनकी वैल्यू रहे और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है नॉर्मली ये उसके लिए होते हैं अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स के तो इसके अंदर जो है ये प्रमोट रिलेशनशिप बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स है इनके अंदर बड़ा स्ट्रॉग लिंक होता है परफॉर्मेंस एंड पे का फिर हेल्प्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन के जो शख्स जितना डिज़र्व करता है उतना उसको मिल रहा है मेनली कॉम्पैटेबल विद इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जो आपके ऐसे कल्चर्स जो इंडिविजुअलिस्टिक से ज़्यादा हैं उनके अंदर इंडिविजुअल जो प्लान हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं ऐसे कल्चर्स जो ज़्यादातर कोलेक्टिविज़म के ऊपर बेस्ड हैं उनके अंदर आ, लोग प्रेफर करते हैं कि जो आपका पूरा ग्रुप है उसको साथ लेके जाया जाए डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि टाइम्स अब ये बेसिकली जो तमाम डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम इन चीज़ों को डिज़ाइन के टाइम पे, जब हम इंसेंटिव प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं उस वक्त हमसे कोई चीज़ की कमी कोताही रह जाएगी तो ये डिसएडवांटेजेस कंपनी के लिए हो सकते हैं सम टाइम प्रमोट इनफ्लेक्सिबिलिटी नो मोटिवेशन टू इंक्रीज़ परफॉर्मेंस बियॉन्ड रिवॉर्ड सीलिंग एट टाइम्स ये होता है कि अब हमने एक शख्स को ये कहा कि जी अगर आपने 20 गारमेंट्स के यूनिट प्रोड्यूस कर लिए ठीक है तो आपको इतना अवॉर्ड मिलेगा और हम ये एक सीलिंग सेट कर देते हैं दो चीज़ें होती हैं आपकी एक सीलिंग है एक फ्लोर है फ्लोर से नीचे कुछ नहीं है नथिंग सीलिंग से ऊपर कुछ नहीं है अगर हमने अपने रिवॉर्ड की सीलिंग सेट कर दी है तो उस सूरत में क्या होगा कि लोग अगर एक शख्स 25 प्रोड्यूस कर सकता है तो वो कहेगा मुझे 25 एडिशनल प्रोड्यूस करने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है क्योंकि 20 से ऊपर तो रिवॉर्ड कांस्टेंट है अप टू 20 मैंने करने या 20 से ज़्यादा करने ठीक है ना तो मैं इससे ज़्यादा क्यों करूँ तो फिर उस सूरत में हमें अपने सीनेरियों को सामने रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन के टाइम के ऊपर एड्रेस करना है और इसको एड्रेस करने के लिए डेफ़िनेटली जो हमारी आखिरी स्लॉट होती है उसके अंदर हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ, मेंशन रख देते हैं फिर उसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज इन मेथड्स एंड प्रोसेस यूज्ड इन परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग द इंसेंटिव स्पेसिफिक वर्क ये हम सेकंड पॉइंट की बात करें एट होता इसमें यह है कि जब मैं एक काम बार बार कर रहा होता हूँ रेपिटेटिवली काम कर रहा हूँ तो उस सूरत में मेरी एक स्किल डेवलप हो जाती है अब अगर ऑर्गेनाइजेशन पीछे वर्क प्रोसेस को या टेक्नोलॉजी को चेंज करेगी या प्रोसेस या टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो डेफ़िनेटली मुझे नई चीज़ सीखने में और उसके ऊपर स्किल डेवलप करने में टाइम लगेगा यानी कि स्किल डेवलपमेंट में टाइम लगेगा अब जब तक मुझे वो टाइम लगेगा मेरी परफॉर्मेंस अगर पहले एक्स लेवल पे थी तो अब एक्स माइनस एन लेवल के ऊपर आ जाएगी रिड्यूस होके तो अब जाहरी बात है कि रिवॉर्ड जो इंसेंटिव है इट इज़ लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस लेवल्स तो मेरी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी तो इस केस के अंदर जो लोग हैं वो रिजिस्ट करेंगे कि उनको उनके प्रोसेसिस को चेंज ना किया जाए और उनको उन्हीं एरियाज़ के अंदर ही रिवॉर्ड किया जाए जिसके अंदर वो यानी उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करने दिया जाए uh, जिससे uh, वो ज़्यादा इंसेंटिवाइज होते हैं समटाइम्स रिजल्ट इन अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स इस्पेली वेन दीज प्लान रिवॉर्ड ऑनली वन और सबसेट ऑफ द डायमेंशन डेट कॉन्स्टिट्यूट द इम्प्लॉयज़ टोटल जॉब परफॉर्मेंस इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं देखें एक शख्स जब काम करता है तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसमें उसने क्वान्टिट्टी को भी देखना है क्वालिटी को भी देखना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी देखना है जब हम सिर्फ एक डायमेंशन के ऊपर रिवॉर्ड को लिंक कर देते हैं यानी कि ये तो जॉब डायमेंशन है ना जो उसने काम करना है ये रिवॉर्ड डायमेंशन है अब हमने रिवॉर्ड को सिर्फ क्वांटिटी के साथ लिंक कर दिया अब उसको तो ये पता है कि जितनी क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा उतना ज़्यादा मुझे इसका बेनिफिट पहुंचेगा फाइनेंशियल टर्म्स में तो उसका मेन फोकस यही रहेगा कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूं वो क्वालिटी को भी इग्नोर कर सकता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी तो ये वो दोनों चीज़ें हैं जिनको हमने आ, पे इसके डिज़ाइन के टाइम के ऊपर अपने जहन में रखना है ठीक है जी यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्लोज़ होता है इसके बाद हम इनशाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्रुप इंसेंटिव प्लान को कवर करेंगे थैंक यू